और हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त राजघाट पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, यहाँ पर हम सुबह से ही देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजघाट पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जहाँ तक राजघाट की बात कर रहे हैं आप, ठीक रोड के दूसरी तरफ अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, उधर आप बता दें कि दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो केजरीवाल ने अपमान किया है इसके लिए माफ़ी मांगे। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल यहां पर आ रहे हैं राजघाट पर और देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जानबूझकर उन्हें मामले में फंसा जा रहा है और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर वो भ्रष्टाचार है, चोर है, तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है और उनको इसलिए फंसाया जा रहा है कि चूंकि वो मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि सीबीआई और ईडी जैसे जो केंद्रीय एजेंसियां उनको दुरुपयोग कर रही है और इसी दुरुपयोग के तहत जो है पहले सचिन जैन को फंसाया गया, फिर मनीष सिसोदिया को फंसाया गया और अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया। उनका केजरीवाल का ये भी कहना है कि अगर उन्होंने कुछ घोटाला किया है तो वो पैसे और बाकी चीज़ें क्यों नहीं लेके आते। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है, खासतौर से जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा का ये कहना है कि एजेंसियां अपना काम कर रही है और अगर गलत व गुनाहगार नहीं है तो आखिर वो घबराए हुए क्यों हैं। और ये जो कह रहे हैं कि कोई भी ईमानदार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो वो बात कहकर दिल्ली की जनता को अपमान ना करें। और उनका ये कहना है कि लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं और शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं और वो उनके रंग आए। और देखिए यहाँ पर हलचल जो है लगातार बढ़ता है और जितने पुलिस के जितने यहाँ पर इंतजाम देख रहे हैं कि केजरीवाल आने वाले ताकि यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना खराब हो। चूंकि एक राजीव कौन कौन है केजरीवाल के साथ अभी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चले हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता चले हैं और इसी वजह से यहाँ की सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है। आपको ये बता दें कि पहले भी जब मनीष सिसोदिया जब यहाँ से गए थे, जब ईडी और सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर आए थे, राजघाट पर आए थे और उनका ये कहना है कि वो अपनी जो लड़ाई जो है सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और यही वजह है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर आए हुए हैं ताकि उन्हें ताकत मिले जनता की आवाज़ को उठा रहे और जानबूझकर उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और सामने अगर आपको नजर आ रहा होगा वो सामने जो है मेन वीआईपी चौराहा और संभवतः उसी गेट से जो है अरविंद केजरीवाल जो है अंदर राजघाट पे अंदर आए हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर आए हैं। देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी कर दी गई, मतलब सामने के गेट से जो है रोड से जो है कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इस तरह से आशंका थी कि आज चूंकि सीबीआई ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है और बीजेपी जो है यहाँ पर ठीक सामने जो है यहाँ धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत न हो जाए। राजीव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया ताकि दोनों पार्टियों के बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो। हालांकि थोड़ी देर पहले जो है आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जरूर आए थे और बीजेपी की ओर से जो पोस्टर लगाए गए थे उन पोस्टर को है कह सकते हैं कि देखिए बीजेपी की तरफ से पोस्टर भी लगाए गए हैं यहाँ पर और बीजेपी भी अपनी तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी तरह से तर्क जो है इस मामले को लेकर दिए जा रहे हैं। लेकिन ताजा तस्वीरें जो है वो आप देखिए, आबकारी घोटाले मामले में सीबीआई की पूछताछ जो है वो होनी है, अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है आज और उससे पहले राजघाट वो पहुंचे हैं और अपने जो लोग हैं उनके साथ, अपने समर्थकों के साथ, और इससे पहले उन्होंने मीडिया को एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने आशंका भी जताई कि शायद सीबीआई जो है वो गिरफ्तार करने का उनके पास जो है मैसेज हो। और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आप देखिए, जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था तब भी कुछ इसी तरह से राजघाट वो आए थे, उनकी तरफ से पहले बयान जो है सब पूछताछ को लेकर दिए गए थे। तो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही है और आज भी कुछ ऐसे ही आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पूछताछ के लिए सीबीआई जो है वो जा रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि एक मुख्यमंत्री को सीबीआई जो है एक मामले में यहाँ पर पूछताछ के लिए बुला रही है। बिल्कुल, और कुछ ही वक्त में अब यहाँ पर केजरीवाल जो है वो सीबीआई दफ्तर के लिए निकलेंगे जहाँ पर 11 बजे उन्हें पेश होना है और अब 10:49 हो चुके हैं। तो
ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास, उन्हें यहाँ से सीधे निकलना है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब केजरीवाल राजघाट से लौटे, उनके साथ हम संजय सिंह को भी देख पा रहे हैं, उनके साथ हम राघव चड्ढा को भी देख पा रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो सभी जो दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के, वो केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। पहले ही उनके जो दो बड़े नेता हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, वो दोनों जेल में हैं। सत्येंद्र जैन को करीब एक साल पूरा हो चुका है वहां पर, मनीष सिसोदिया भी पिछले लंबे वक्त से जेल में है और दोनों को ही की जो जमानत अर्जी है वो खारिज हो चुकी है। अब इधर अरविंद केजरीवाल ने ये शक जो है वो जाहिर कर दिया है कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि बीजेपी सबको जेल जाने की धमकी देती है और मुझे भी जेल भेज देगी, और साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के काम भी गिनवाए, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। लेकिन यहाँ पर सियासी रूप से ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाने वाली है और किस तरह से वो इस पूरे मामले से बाहर निकल कर आती है, क्योंकि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर ताबिश फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो सवाल हैं बड़े जिनका जवाब बीजेपी आम आदमी पार्टी से पूछती रहती है, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया, और अगर कोई घोटाला नहीं है, कुछ गलत नहीं है, तो फिर गिरफ्तारी इसमें क्यों हुई है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी जो है थोड़ा घिरती हुई भी नजर आती है। और अब अरविंद केजरीवाल जिनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो वो भी अपनी तरह से तर्क यहाँ पर देते हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो उसके पैसे कहाँ हैं, और तमाम एजेंसियों पर आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए जाते हैं। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, क्या निकल गए हैं केजरीवाल वहां से? आप बिल्कुल किसी वक्त निकल सकते हैं। आपको देख लें कि इस तरफ तो सामने जो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ा जो आप जो बात कह रहे थे कि दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों पर जो है इस लेकर सियासी तौर पर भुनाने पर लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर साफ कहना है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा का जो सत्र बुलाया था और सीधे जो मोदी सरकार पर जिस तरह से हमले किए थे, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर बात की थी, यही वजह है कि अब जो है जो अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, पूछताछ के लिए सीबीआई बुला रही है और जानबूझ के साजिश के तहत उनके एक एक नेताओं को फंसाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो बाकायदा कोर्ट में इस बात को लेकर केस दायर करेंगे सीबीआई और ईडी को लेकर। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी है रोड के दूसरी तरफ जो है बाकायदा धरना दे रही है। उनका ये कहना है कि केजरीवाल जो है जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शराब घोटाले में जिस तरह से जो है जो 6% से 12% जो किया गया है और उसका सीधा पैसा जो है वो केजरीवाल के जेब में गया है, पार्टी फंड में गया है, और जानबूझ के केंद्रीय एजेंसियों का नाम लेके जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ये सही नहीं है। और अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है तो उन्हें डर किस बात का लग रहा है? वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि अगर मनीष सिसोदिया जो है किस जुर्म में गए हुए जेल के अंदर, क्या वो स्विट्जरलैंड गया घूमने के लिए? तो इस तरह का व्यंग जो है बीजेपी के कह रहे हैं, गुनाहगार नहीं तो उनके कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रहा है? सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, उनका ये कहना है कि ये गलत क्या काम किया है। वहीं जो आम आदमी पार्टी है, उनका ये कहना है कि जिस तरह से सियासी तौर पर वो मजबूत हो रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है, और जिस तरह से 2024 के बिसात जो बिस्ती हुई नजर आ रही है और उसमें विपक्ष के जितने नेता एक साथ खड़े होकर देख रहे हैं, तो जानबूझ के कोशिश है कि एक एक करके नेता जमा नहीं होने पाए। और यही वजह है कि एक एक करके जितने जो विपक्षी नेताओं हैं उन पर कभी सीबीआई के रेट डाला जा रहा है, कभी ईडी के रेट डाला जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आपको बता दें कि महात्मा गांधी की समाधि पर आके एक संकेत देना चाहते हैं कि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि जनता की आवाज को उठा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हम आपके पास लौटेंगे। तो अब बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, 11 बजे अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के दफ्तर पहुंचना है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब वो सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त राजघाट से सीधी तस्वीरें जब अरविंद केजरीवाल अपने तमाम साथियों के साथ, नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे और वहां से वो निकलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ यही नहीं है कि इन्हें ये साबित करना है कि ये दोषी नहीं है, यहाँ पर सीबीआई को भी ये साबित करना पड़ेगा कि जिन आधारों पर वो पूछताछ कर रही है और जिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सच हैं।